कांग्रेस पार्टी की ओर से बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य भर में 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कि 16 तारीख को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे या नेता श्री राहुल गांधी जी सैनिक सम्मान या दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे शहर हमारे देश का शौर्य हमारे सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, उसी संदर्भ में आज शहर कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक आहूत की थी, जिसमें हमारा एक ही एजेंडा था और हमारा एक ही पॉइंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन परेड ग्राउंड में जाएं और उस रैली को बहुत ही ऐतिहासिक बनाएं। साथ ही में जितनी ज़्यादा हम भीड़ लेके जाएंगे, और आपको जानकर हैरानी होगी, ये आपकी प्रदेश या सर में आपकी सबसे ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि आज लोगों में अपने आप उत्साह है इस बहुत ही झूठी पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का। खुद इतना उत्साह है, लोग खुद बढ़ चढ़ कर उस रैली को ऐतिहासिक या बनाना चाहते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा यह प्रसन्नित हूँ कि मुझे इस बार या किसी को बोलना ही नहीं पड़ रहा, लोग अपने आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी हम आपके साथ या चलेंगे और इस रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। 16 दिसंबर को हमारी कांग्रेस पार्टी विजय सम्मान दिवस के रूप में देहरादून में परेड ग्राउंड में माननीय राहुल जी के नेतृत्व में एक विशाल रैली करने जा रही है, जिसमें हमारे 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था और हमने जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया था, उसमें जो हमारे सैनिक रहे हैं और या उनके आश्रित हैं, उन तमाम सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात जो वहाँ पर राहुल जी जो है एक रैली को संबोधित करेंगे और जो कांग्रेस के पक्ष में जो लहर प्रदेश में बह रही है उसके संबोधित करेंगे। क्योंकि जो हमारी डबल इंजन की भाजपा सरकार है केंद्र और राज्य में, ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। महिलाओं में बहुत उत्साह है, महिलाओं क्या युवाओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में, सब में बहुत उत्साह है, क्योंकि राहुल जी का सम्मान करने के लिए, और दूसरी बात सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब जो है जनता बीजेपी से बहुत ही तंग आ चुकी है, भाजपा सरकार की जो देश विरोधी नीतियां हैं उनसे बहुत तंग आ चुकी है। आपने देखा होगा किस प्रकार एक साल के बाद किसान अपने घर वापस गए और उनको अपने भाजपा को बैकफुट पे आना पड़ा, तो इस सरकार की नीतियों से जनता बहुत परेशान है और जनता में एक बहुत उत्साह है। उत्साह ये है कि एक तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, दूसरा कांग्रेस की वापसी हो रही है।